नदबई नगरपालिका के प्रतिनिधि मंडल ने आईजी से की मुलाकात। नगरपालिका अधिकारियों पर झूठे आरोप लगाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग। नगरपालिका के प्रतिनिधि मंडल के ने पालिका अध्यक्ष हरवती सिंसिनवार के नेतृत्व में नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिवदयाल गोयल व व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सतीश चंद्र गर्ग सहित क्षेत्र के लोगों ने भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उमाकांत जिंदल एवं राजन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कटरा बाजार नदबई स्थित संस्कार साड़ी एपोरियम की दुकान लॉकडाउन के दौरान खुली हुई थी। गाइडलाइन की अवहेलना करने पर उपखंड अधिकारी हेमराज गुज्जर ने दुकान को सीज कर दिया गया था। इसके बावजूद साड़ी शोरूम को पिछले गेट से खोलकर बिक्री की जा रही थी। सूचना पर नगरपालिका की टीम दोबारा जब दुकान पर पहुंची तो साड़ी शोरूम के मालिक उमाकांत जिंदल ने नगरपालिका स्टाफ से गाली गलौज और धक्का मुक्की की, जिसके बाद कस्बे के स्थानीय नागरिकों और पार्षदों ने मामले को शांत करा दिया था। उसके बाद कोई भी कार्रवाई और कर्मचारी शोरूम पर पैच उसके बाद कोई भी कर्मचारी शोरूम पर नहीं गया और ना ही किसी भी कर्मचारी द्वारा उमाकांत जिंदल को धमकाया गया। इसके बावजूद 30 जून 2021 को उमाकांत जिंदल ने सोशल मीडिया पर पार्षद मनोज कुमार के भाई राजन सिंह के जरिए फर्जी वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर डाला था। वीडियो को अन्य ग्रुपों में भेजने से पहले कुछ अनगर्ल डिमांड की गई है। मेरे बेटा को ये किया कि हमें फोन करके बुलाया गया है, इसमें मेरे बेटा का कोई आदमी था नहीं, उनका था वो विपक्षी है, वो उनको जबरदस्ती इस मोड़ पर लाए, लाके खड़ा कर दिया है, रोड बनाए, कांग्रेस का जमीन से पीछे पड़े हुए हैं, तो ये मैटर है और कुछ कोई बात नहीं है। किन्होंने लगाए थे आरोप? विपक्षी उन्हें लगाए, वो उनके साथ मिल गए, सेठ के साथ मुद्दा मिल गया उनको, 1.5 महीने की कोई बात होगी, दुकान सील हुई थी, उसके बाद अब उनको मोहरा बनाया गया, विपक्षी लोगों ने इसका मोहरा बना के उनको मुद्दा मिल गया। क्या नाम है आपका? हरवती सिंह। आपका नाम? मेरा हरवती सिंह।